फ्रॉम ईडीडी 19 बैच. स्टार्ट करते मराठी ने, थोड़ी कम्फर्टेबल होईल. सो मी ईडीडी स्टार्ट केलं, मला एसआयटी बद्दल माहिती होतं. माझी बहीण स्वतः पाइपिंग इंजिनियर, पाइपिंग डिझायनिंग अँड ड्राफ्टिंगच्या बॅचमध्ये होती. ती मला खूप टाइमपासून सांगत होती की तू एसआयटी जॉईन कर, पण मला भीती वाटत होती की मी जेवढा तिने अभ्यास केला तेवढा मी करू शकेन की नाही, ह्याच्याबद्दल मुझे बहुत डाउट था. फिर मैंने लॉकडाउन में कुछ, मतलब कुछ स्टडीज के लिए चाहिए था, तो मैंने एसआईटी ज्वाइन कर लिया. और एसआईटी ज्वाइन करते ही पता चला दिवाली में, सर दिवाली में नहीं, गणपति में असाइनमेंट मिल गया, पांच पांच ड्राइंग है ए और बी साइड से व्यूज कंप्लीट करने. गणपति में पढ़ाई करके ही पता चला कि अभी साल भर बहुत पढ़ाई करना है, नो टाइम पास कुछ भी नहीं चलेगा. फिर आगे आया मयूर सर ने हमें ड्रॉइंग स्टार्ट किया. फिर लेक्चर स्टार्ट हुआ चिन्मय सर के साथ, और पूरा लेक्चर सबके नाम आते थे, एक भी जन नहीं छुट्टा था. कोई अगर शांत है तो सर सर सबके नाम लेते थे, सिद्धे प्रतीक्षा मोरे कहाँ हो, प्रथम कहाँ हो, प्लीज प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, कहाँ गए, कहाँ जा रहे हो. और एक एस आई टी में आके थ्री वर्ड्स, यस नो मेबी, आंसर चाहिए मतलब चाहिए, यस नो मेबी. फिर वी स्टार्टेड लर्न विद रोशन सर. रोशन सर सीरियसली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. उनके पास से जो मैंने पाइपिंग का ड्राइंग सीखा है, उनसे बेस्ट कोई नहीं सिखा सकता. और चिन्मय सर एवर बेस्ट है. मैंने ऑफलाइन का एक ही सेशन अटेंड किया है, बट वसंत सर जैसे सिखाते हैं, आई स्वेर उनका सॉफ्ट स्पीड, उनका जो राइटिंग का लाइक हैंड राइटिंग, सीरियसली वो जितना फास्ट लिखते हैं उतना फास्ट इतने अच्छे हैंड राइटिंग में नहीं लिख सकती. मैंने उन पर बहुत कॉन्सेंट्रेट किया. एंड शी इज अ रियली काइंड पर्सन, सर ही इज अ रियली काइंड पर्सन. मतलब इतना अच्छे लेवल पे होके भी इतना शांत रहना, इतना सॉफ्टली बात करना, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा वो उनका नेचर. बाद में आए फिर लावण्या मैम, प्रेसी मैम, उन्होंने हमें सीवीज बनाने के लिए इंटरव्यूज कैसे करने हैं कैसे नहीं करने, ये बोलना है वो बोलना है, लाइक हमारे एज में आके अरे ऐसा नहीं बोलना रहता है, ऐसा नहीं करना रहता है, ऐसे आके वो हमसे बात करते थे. सो फुल फैमिलियर हो गया था. नॉन टीचिंग स्टाफ, दादा प्लीज चहा आणून द्याना, प्लीज दादा चहा खूप चांगला असतो जास्त आणाना. सो एस आय टी सोबत फॅमिली झाली आहे. मला आता यायला इथे भीती वाटत होती बोलायला, बट नाव आय एम ओके. बट थँक्यू सो मच टू ऑल ऑफ यू की त्यांनी आम्हाला खूप